बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू रिया बी किचन। आज हमारे किचन में बने जा रहे हैं चिकन एंड पोटैटो के कटलेट्स। यस, दे आर वेरी यम्मी एंड डिलीशियस इन टेस्ट। सो उसके लिए आप जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन में, मैंने सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट एंड हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड करके इनको मैंने अच्छे से बॉयल करके तो इस तरह से श्रेड कर लिया है। इसको मैश नहीं करना, इस तरह से श्रेड करना है। उसके बाद मैंने पोटैटोज बॉयल कर लिए हैं, तकरीबन 600 to 700 ग्राम पोटैटोज हैं मेरे पास। उसके साथ मैंने ले ली है चेडर चीज़। ये नेसेसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो इसके बगैर भी आपके डेफिनेटली बहुत मज़े के बनेंगे। स्प्रिंग ऑनियन मैंने ले लिए हैं, ये 2 full spring onions थे, उनको मैंने चॉप कर लिया है। साथ मैंने ग्रीन चिली ले ली है, ये स्पाइसी वाली ग्रीन चिली नहीं है, ये वाली पकौड़ा चिलीज हैं। सो दीज आर रियली यमी, तो मैंने इनको ये पूरी मैंने एक काट ली है। साथ मैंने हाफ रेड ऑनियन ले लिया है, कोरिएंडर ले लिया है, कोरिएंडर भी आप अप टू यू है, जितना आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, पाप्रिका पाउडर मैंने लिया है 1/4 tablespoon, रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं 1/4 tablespoon, टर्मरिक पाउडर लिया है मैंने 1/4 tablespoon, क्यूमन पाउडर मैंने लिया है 1/2 tablespoon, कोरिएंडर पाउडर मैंने लिया है 1 tablespoon एंड ब्लैक पेपर मैंने ली है 1/2 tablespoon, या आप 1/4 tablespoon भी ले सकते हैं। उसके बाद फ्राइंग के लिए मुझे चाहिए एग्स और साथ ब्रेड क्रम्स, 1 tablespoon कुकिंग ऑयल चाहिए। आप अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर पोटैटोस को हम सबसे पहले अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है और इसमें तकरीबन 1 tablespoon मैं कुकिंग ऑयल ऐड करती हूँ। इसमें हम अपने ये स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसमें हमने ऐड कर दिया है श्रेडेड चिकन और इसको 1 to 2 minutes के लिए हम इन तमाम स्पाइसेस में फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली एंड स्प्रिंग ऑनियंस एंड रेड ऑनियंस वो ऐड करके इनको अब मिक्स कर लेते हैं। इस स्टेज पर हम इसको बंद कर देंगे, स्टोव ऑफ कर दें। इसके साथ यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी कोरिएंडर और साथ चेडर चीज। कलरफुल सा लग रहा है अभी से। यहाँ पर मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। एग्स में मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करके इनको हम अच्छा सा बीट कर, है हमारे पास इनको कटलेट्स की शेप दे देते हैं इस तरह से। यहाँ पर मैंने इनको अच्छी सी शेप दे ली है, कबाब की या कटलेट्स की जो भी बोलें। तो ये ऑलमोस्ट 16 to 18 कटलेट्स बन जाएंगे आपके। अब हम क्या करेंगे, पैन में मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। इस तरह से हम कबाब लेके इसमें डिप करेंगे एग में और उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देखें और इसको अब हम शायद आप देख सकें, इस तरह से हमने कबाब लिया, इसको हम डिप करेंगे एग में, उसके बाद साथ लगाएंगे ब्रेड क्रम्स और इनको फिर कुकिंग ऑयल वाले पैन में शैलो फ्राई कर लेंगे। देखिए बहुत मजे की खुशबू आ रही है, अब इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। वाओ, लुक एट देम, ये 2 eggs वाले हैं और बाकी सब ब्रेड क्रम्स के साथ हैं। डिश आउट कर लेते हैं, यहाँ पर अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं।
हमारे बहुत ही मज़ेदार से चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स आर रेडी। चाहे तो आप नान के साथ खाएं, चाहे मिंट की चटनी के साथ, वैसे ही एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको आसानियाँ बांटने और आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये वैसे अशफाक अहमद साहब की दुआ थी और मुझे ये बहुत पसंद है। अल्लाह पाक इसको कबूल करे और हम सब के लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आसानियाँ करे। आमीन। इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। लेट्स ट्राई दिस। It's very hot yet. Look at it. Mashallah. बहुत मज़ेदार।